नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे विंध्य की राजनीति की, जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां विंध्य में 7 जिले हैं जिनमें 30 सीटें हैं। प्रदेश की राजनीति में विंध्य की 30 सीटें सरकार बनाने के खेल को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। हालांकि विंध्य में जातिवाद हावी रहता है। कहने को भले ही चुनाव विकास रोजगार के मुद्दों पर लड़ा जाता हो, पर विंध्य का असल चुनाव ब्राह्मण ठाकुर के मुद्दों पर ही लड़ा जाता है। जातियों में बटे वोटर अपने अपने जाति समाज के कैंडिडेट के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। बात करें सीटों की तो विंध्य में अब तक कांग्रेस ने 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी ने 14 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। तो आज बात हम करेंगे विंध्य की सियासत, समीकरण और मुद्दों की। तो चलिए शुरू करते हैं चुनावी चौपाल। और चलिए अब जानते हैं कि विंध्य में आखिर मिजाज क्या है, मतदाता के मन में क्या चल रहा है। ब्राह्मण वोट बैंक यहां पर एक बड़ा फैक्टर होता है जीत के लिए, लेकिन इस बार किस तरह के मुद्दे विंध्य में खासतौर पर देखे जाएंगे, ये हम जानकारी लेंगे। हमारे स्टेट हेड अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विंध्य की राजनीति पर वो विश्लेषण अपना देंगे। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनावी चौपाल में। आप देखिए वर्षा, धन्यवाद। विंध्य का जगत देखा जाए तो विंध्य में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जाति समीकरण। ब्राह्मण ठाकुर और ओबीसी, विशेषकर पटेल कुर्मी के बीच बटा हुआ विंध्य जो है वहाँ सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो विंध्य की जो है, विंध्य पिछले कई चुनावों से बीजेपी का साथ दे रहा है। पिछले 2018 के चुनाव में देखिए, जब कमलनाथ की सरकार बन गई, कांग्रेस बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ी, तो उसके बावजूद विंध्य का इलाका, विंध्य टोटली बीजेपी के साथ था। 30 में से 24 सीटें बीजेपी के पक्ष में थी। अजय सिंह राहुल जैसा दिग्गज नेता चुनाव हार गया, और यही कारण थे कि विंध्य पर बीजेपी को बहुत भरोसा है। और इस बार अभी तक कांग्रेस की सारी सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं, 30 की 30 हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। 14 सीटें डिक्लेयर हुई हैं और उसमें तमाम कद्दावर नेताओं की सीटें भी रह गई हैं। तो ये माना जा रहा है कि विंध्य में जैसे ही सीटें डिक्लेयर होंगी उसके बाद असली समीकरण शुरू होगा, क्योंकि किस तरह से वहाँ पर चुनाव होना है, किस जाति के टिकट दिया गया है, किस तरह का खेल वहाँ पर किया गया है। तमाम बीजेपी ने तमाम कोशिशें की हैं। बीजेपी ने विंध्य में 2 नए जिले बना दिए हैं। मैहर जिला कुछ दिन पहले बना, उसके पहले मोहगंज जिला बन गया। 7 जिले हो गए वहां पर, 2 संभाग रीवा और शहडोल, 2 संभाग है, 7 जिले, 2 नए जिले बना दिए गए। तो इस वजह से विंध्य का जो एक कंसंट्रेशन है लोगों का, वो इस मुद्दे पर अटका हुआ है कि आखिर किस तरह से विंध्य में अब नए समीकरण बनेंगे, क्योंकि वहां पर जो टिकट कांग्रेस के हैं वो बड़े चौंकाने वाले टिकट ने, जैसा कि सेमरिया से अभय मिश्रा को टिकट दिया गया। अभय मिश्रा वो कैंडिडेट हैं जो कुछ दिन पहले बीजेपी में थे और बीजेपी से 5 दिन पहले उनको टिकट मिल गया। उसके पहले वो बीजेपी से एमएलए रह चुकी, उनकी पत्नी भी एमएलए रही है सेमरिया से, लेकिन जब पीछे उनका टिकट काट के पिछली बार 2018 में केपी त्रिपाठी को दिया गया, तो अभय मिश्रा नाराज होकर कांग्रेस में चले गए और 5 साल तक रहने के बाद अभी बीजेपी वापस कांग्रेस में आ गए हैं, और बीजेपी में आ बीजेपी फिर कांग्रेस चले गए। दूसरा मुद्दा है वहाँ पर कि जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि केदार शुक्ला, जो केदार शुक्ला सीधी से बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन इस बार जो कि पार्टी ने ऊपर तय किया था और उनका टिकट काट करके रीति शुक्ला और रीति पाठक को टिकट दिया गया, तो वहाँ गदर मचा हुआ है बीजेपी के अंदर। तो बड़ी और उधर चले आप नरोजा शहडोल उमरिया में, तो वहाँ भी मीना सिंह का विरोध हो रहा है, और वहाँ पर जो बिसाऊ लाल सिंह जो पिछली बार 2018 में सरकार का तख्ता पलट हुआ, तो वो कांग्रेस में छोड़ करके बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने उनको इस बार फिर टिकट दिया। 86 साल की उम्र हो गई है, लगातार विरोध हो रहा है, तो बीजेपी में इस बार सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तमाम विरोध हो रहा है। और ऐसे में कांग्रेस तमाम कोशिशें करी हुई, पिछली बार आप देखिए बाय इलेक्शन में जिस तरह से रहगांव में पूरी मेहनत की कमलनाथ ने और बाकी लोगों ने, और बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद रहगांव सीट कांग्रेस जीतने में सफल रही। तो इस तरह के कैलकुलेशन वहाँ किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब बीजेपी की सारी सीटें डिक्लेयर जाएंगी, तो एक अलग रंग का, अलग ढंग का विंध्य का जो मिजाज दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल अजय जी, लेकिन यहां पर क्योंकि कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, 30 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, बीजेपी अभी भी मंथन कर रही है, लेकिन इसके पीछे की आखिर वजह क्या हो सकती है? क्योंकि हमने देखा नारायण त्रिपाठी बहुत ज्यादा मुखर है बीजेपी के खिलाफ, वो कई बार बयान भी देते नजर आए, विंध्य प्रदेश की भी वो मांग करते आए हैं। तो क्या एक बड़ी चुनौती बीजेपी नारायण त्रिपाठी को मानकर ही चल रही है? और उनको तो हाल ही में चुनाव चिन्ह भी दे दिया गया है, वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। नहीं देखिए,
क्या होता है वर्षा की, जब इलेक्शंस में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि आपका अपना पर्सनल काउंटर क्या है, पर्सनल अकाउंटिटी क्या है, वहाँ पर कितना बड़ा वोट बैंक है। तो नारायण त्रिपाठी और नारायण त्रिपाठी के वोट बैंक के साथ जब बीजेपी का वोट बैंक जुड़ता है तो नारायण त्रिपाठी की जो फतह आसान हो जाती है। लेकिन जब जनता पार्टी उन्होंने जो एक नई बनाई है विंध्य जनता पार्टी, उसके आधार पर अगर उनको लग रहा है कि उस बहुत बहुत बड़ा कोई तूफान खड़ा कर सकते, तो ऐसी उम्मीदें फिलहाल नहीं दे रही हैं। चूँकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों से प्रतिकदावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने वहाँ पंजाबी व्यक्ति को उतारा है, पंजाबी मुना पंजाबी हैं जो गिल हैं। तो पंजाबी व्यक्ति कितना वहाँ पर, पंजाबी वोट बैंक कितना बड़ा है, पंजाबी समीकरण कैसे हो सकते हैं, ये अलग कहानी होगी। और उसी आधार पर तय होगा कि आखिरकार बिंद में नारायण त्रिपाठी जो मैहर में कितना प्रभाव डाल पाएंगे। लेकिन ये तय है कि अगर नारायण त्रिपाठी, चूंकि एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो बिंद से मैहर से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो एक सीट पर रह करके बाकी बिंद की अन्य सीटों पर जो बाकी 29 सीटें बचती हैं, चाहे वो सतना की हों, चाहे वो रीवा की हों, चाहे वो सीधी की हों, चाहे वो उमरिया की हों, शहडोल की हों, नौरोजाबाद हो, या कहीं भी प्रभाव डाल पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। और इसी वजह से बीजेपी का ये दहशत, अगर बहुत उत्ता होता तो कांग्रेस में कई दिन से प्रयास कर रहे थे, लगातार ट्राई मार रहे थे, ये चल रहा था कि उनकी जो पार्टी भिन्न जनता पार्टी उसका विलय कर दिया जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो मान के चला जाए कांग्रेस बीजेपी दोनों ने समझ लिया कि नारायण त्रिपाठी फिलहाल कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ विंध्य में विकास एक बड़ा मुद्दा है अजय जी, क्या माना जाए, क्योंकि यहाँ पर जातिगत जो वोट बैंक होता है वो काफी ज्यादा मायने रखता है, प्रत्याशियों को उतारती भी पार्टी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हैं। यही वजह है कि विंध्य में जो है विकास को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन अभी फिलहाल विकास की क्या स्थिति है, जो दावे वादे पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे सरकार की तरफ से, वो धरातल पर नजर आ रहे हैं? तो देखा जाए तो बहुत सारा, बहुत पिछले पहले जैसा विंध्य नहीं रहा, बहुत बदला हुआ। आप देखिए ना कि व्हाइट टाइगर सफारी जो मुकुंदपुर की है वो पूरी दुनिया में चर्चित हो गई है, उसके अलावा सोलर पैनल प्लांट वहाँ पर जो लगा हुआ है वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। अब आपको रीवा से सतना पहुँचने में, रीवा तक के से लेकर के सतना तक जाने के लिए लगातार आपको साधन मिल जाते हैं, अच्छी सड़कें हो गई हैं। आप जो बनारस वाला हाईवे है वो रीवा के बाईपास से निकला हुआ है, रीवा और बहुत काम किया गया रीवा में, निश्चित रूप से रीवा, अब रीवा वैसा नहीं रहा, वहाँ का मिजाज, वहाँ का स्टाइल, वहाँ का लोगों का अपना अंदाज अभी नहीं बदला। लेकिन रीवा विकास की दृष्टि से बात की जा रहा था तो रीवा या पूरा का पूरा बिंद बहुत बदल गया है। और यही कारण है कि बिंद में बस्ती जो बदलाव की बयार है, वो डेवलपमेंटल बयार जो एक वेव बह रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। और पिछले तीन चुनावों, चार चुनावों से लगातार, 2003 का चुनाव हो, 2008 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो, या 2018 का चुनाव हो, बिंद ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। और उस स्थिति में, उसके पहले जब 2013 में जरूर थोड़ा गड़बड़ हुआ, उसके बाद भी सरकार बन गई, और जब 2018 में वास्तव में कांग्रेस की सरकार बन रही थी तब बिंद ने बीजेपी का साथ दिया। तो ये माना जाए कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता वहाँ से हैं और वो उन पर भरोसा लोगों को, चाहे वो राजेंद्र शुक्ला जी हों, चाहे वो गिरीश गौतम जी हों, तमाम बड़े बड़े नेता हुआ करते हैं, तो उन पर भरोसा है वहाँ के लोगों को, और इसीलिए बीजेपी का साथ वो देते हैं। डेवलपमेंट की बात जहाँ तक, डेवलपमेंट बहुत जो बिल्कुल, अजय जी बने रहिएगा। अब सतना में हम जान लेते हैं कि आखिर वहां पर किस तरह का सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। कपिल पयासी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, सतना में फिलहाल क्या कुछ समीकरण सामने आ रहे हैं? प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो 300 सीटों पर जो है वो प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति? जी वर्षा जी, मैं आपको बता दूं, इस समय जो सतना से बीजेपी के प्रत्याशी है, यहाँ के सांसद गणेश सिंह को उतारा गया है बीजेपी से, और कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा जी को यहां से प्रत्याशी घोषित किया गया है। और जो बीजेपी के पदाधिकारी थे शिवा चतुर्वेदी, वो बगावत करके बहुजन की हाथी की सवारी में सवार हुए हैं इस बार। क्या समीकरण यहां का थोड़ा सा बिगड़ता दिख रहा है बीजेपी का, क्योंकि जो ब्राह्मण वोट है जो बीजेपी में जाने वाले थे, यहाँ सतना जिले में ब्राह्मण वोट सबसे ज्यादा है। सतना विधानसभा में ब्राह्मण जो वोट है, दो गुट जो बीजेपी में जाते थे ब्राह्मण, अब उन्होंने बट गए हैं भाई, हाथी में आ गए, ब्राह्मण से टिकट मिल गई है बीजेपी छोड़ के, हाथी से ब्राह्मण कैंडिडेट को शिवा चतुर्वेदी जी हैं। उनके पिताजी के यहाँ अच्छा खासा वर्चस्व भी, नाम भी है, उन्होंने हाथी की सवारी कर लिए हैं। कुछ ब्राह्मण, अब दो कुटुंब रहे, कुछ हाथी में कुछ बीजेपी में, और कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं, और यहाँ कांग्रेस से जो कुशवाहा की भी वोट बहुत ज्यादा है, और वो कुशवाहा बाहुल
उसमें सिद्धार्थ कुशवाहा जी को कांग्रेस ने उतारा है और इसके पहले कांग्रेस से विधायक भी थे सिद्धार्थ कुशवाहा जी। इस बार कांग्रेस का पल्ला भारी दिख रहा है सतना में। बिल्कुल अजय जी, कुछ सवाल आप करना चाहेंगे कपिल? मैं कपिल आपसे ये जानना चाह रहा था कि देखिए आपने जो बताया कि स्थायित्व तो कमलाकर चतुर्वेदी के लड़के जो हैं वो चले गए, लेकिन एक बड़ा फैक्टर होगा कि गणेश सिंह का मैदान में उतरना। गणेश सिंह सांसद के रूप में भले जीतते लेकिन गणेश सिंह का वो प्रभाव मुझे लगता है सतना शहर में नहीं दिखाई पड़ता जो सीट कॉन्स्टिट्यूंसी है। दूसरी बात कि शंकरलाल तिवारी को आपने टिकट काट दिया, शंकरलाल तिवारी बड़े जमीनी कार्यकर्ता हुआ करते थे, तो शशांक चतुर्वेदी फैमिली का भी विरोध और फिर शंकरलाल तिवारी का भी विरोध मुझे लगता है होगा। और ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी के लिए जो गणेश सिंह हैं वो फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि चतुर्वेदी फैमिली, तिवारी फैमिली, ये सबके सब तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ खड़े होंगे। कपिल आपको हमारी आवाज आ रही है? कपिल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सतना का सियासी माहौल क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और जुड़ेंगे कपिल थोड़ी ही देर में हमारे साथ फिर से। लेकिन अजय जी, क्योंकि विंध्य बीजेपी का गढ़ रहा है और इस यही वजह है कि यहाँ पर फूक फूक कर कदम बीजेपी रख रही है, लेकिन क्योंकि सीधी कांड हमने देखा कुछ दिनों पहले हुआ और इससे सरकार की काफी किरकिरी हुई, डैमेज कंट्रोल किया गया, क्या माना जाए ये एक बड़ी चुनौती यहां पर हो सकती है। दूसरी तरफ नारायण त्रिपाठी जो पार्टी की मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीधी पेशाब कांड भी एक बड़ा मुद्दा। अजय जी देखिए, बिल्कुल मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि बिंद की राजनीति का मिजाज बिल्कुल अलग अंदाज का होता है, वहाँ इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सीधी पेशाब कांड जिसकी हम लोग बार बार बात करते हैं, उसका एक बहुत सारे छोटे इलाके में और आदिवासी मुद्दा जो था, आदिवासी ट्राइबल वोट बैंक इस तरफ है भी नहीं, सिर्फ वो सीधी का जो इलाका उस इलाके में थोड़ा सा वोट बैंक है, लेकिन जब रीवा से हम लोग मैहर की बात करते हैं, सतना की बात करते हैं, अमरपाटन की बात करते हैं, रामपुर बघेला चले चलिए, उसके सिमरिया चलिए, देवतालाब चलिए, ये लाइए जो पट्टी है पूरी की पूरी मऊगंज चले जाइए, मऊगंज चाक घाट सिरमौर, ये पूरा इलाका यहाँ कहीं बहुत ज्यादा आदिवासी वोट बैंक प्रभावित नहीं करते हैं। तो इस वजह से उस घटना का चूंकि सिर्फ मीडिया के दिमाग के ऊपर थी, मीडिया ने उसको बहुत ज्यादा हाइप दे दिया और कांग्रेस बीजेपी बैकफुट पर चली गई, ये बहुत बड़ी इसमें गलती थी। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है सिर्फ रहगांव, अगर छोड़ दिया रहगांव भी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति का बड़ा मुद्दा है। और जो आप देख रहे हैं कि रीवा सीधी सतना ये इलाका जितना का जितना है, ये सब जगह सामान्य वोट बैंक है और बहुत बहुत हुआ तो लोधी जो कुर्मी पटेलों का वोट बैंक है। तो ऐसी स्थिति में उस जो आप सीधी के जिस घटना की जिक्र कर रही हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव इस इलाके में नहीं पड़ पाएगा। दूसरा मैं आपसे बात कर रहा था कि चाहे वो नारायण त्रिपाठी हो, चाहे गिरीश गौतम हो, चाहे राजेंद्र शुक्ला, कोई इतना बड़ा कद्दावर नेता भी नहीं बन पाया विंध्य में कि वो पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सके। नारायण त्रिपाठी निश्चित रूप से बड़े नेता हैं, लेकिन उनका एक वजूद है, एक बड़े छोटी सी कोठरी में सिमटा हुआ वजूद है उनका। वो सिर्फ मैहर सीट पे, चूंकि मैहर के आसपास जितनी इंडस्ट्री है विशेषकर जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं उनकी जो लेबर होती है उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा, वो उनकी जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर ये गलतफहमी कोई पाल ले कि नारायण त्रिपाठी मैहर के मतदाताओं के दम पर जीत जाते हैं, मैहर के मतदाताओं को उनका बहुत साथ देते हैं, मैहर का आम आदमी का साथ देता है या सतना जिले का आदमी साथ देता है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन है। असल में वास्तविकता ये है कि नारायण त्रिपाठी के पास जो मैहर सीमेंट, सतना सीमेंट, तीन चार सीमेंट फैक्ट्रियां हैं उनमें जो करीब 70-80 हज़ार से लाख सवा लाख श्रमिक काम करते हैं उनके दुख दर्द में लगातार शामिल होते हैं, उनका नाम का वोट बैंक है, तो वो इनकी जीत का आधार बनते हैं। और इसलिए ये कहना कि बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं नारायण त्रिपाठी, ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। और सीधी कांड का मैंने आपको बता दिया कि वो बहुत बड़ी चुनौती उस इलाके को छोड़ करके बाकी इन सीटों का गणित, देखिए सतना में किसी कोई मतलब नहीं है, उसे पंडित जी अपना काल काहे नहीं मिले बस उतने में खेल जाता है। आप चलिए रामपुर बघेलान में, रामपुर बघेलान से लाल साहब सलाम ना करें तो चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो कोई बरदाता, उससे मतलब होता है उनको, उनसे कोई मतलब नहीं कि नारायण त्रिपाठी कितने बड़े हैं या आपका बाकी जो नेता है वो कितने बड़े हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि गणेश सिंह सतना सीट पर जो विधायक बनाए चुनाव लड़ाए गए हैं, पूरा जब 8 कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, 8 विधानसभा को मिला के एक पार्लियामेंट बनता है, तो पार्लियामेंट में 8 जगह चुनाव लड़ना और जीत हासिल करना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर सिमट जाते हैं 2-2.5 लाख मतों के बीच आते हैं तब कैलकुलेशन बिगड़ते हैं, तो सतना में सारी दिक्कत इस बात पर होगी कि चूंकि सिद्धार्थ कुशवाहा जो है उनका वोट बैंक भी वही है और अब
पार्टी ने गणेश सिंह को मैदान में उतारा बीजेपी, उनका वोट बैंक भी वही है, तो वो वोट बैंक बढ़ेगा। ऐसे में जो ब्राह्मण मतदाता वो जिसका साथ दे देंगे वो निश्चित रूप से विजयी होगा। तो ऐसे में लेकिन मैं जो सवाल कर रहा था अभी कपिल, मेरी बात नहीं समझ आए सुन पाए, कि शंकरलाल तिवारी का टिकट काट देना और कमला जो कमलाकर चतुर्वेदी एंड फैमिली है उसका भी, उसके परिवार से भी विद्रोह हो जाना, दो ब्राह्मण परिवार बड़ा विरोध कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या वहाँ समीकरण बन पाएंगे ये समझना पड़ेगा। दूसरा कि बहुजन समाज पार्टी के जो अभी वहाँ पर टिकट मिल गया इनको, लेकिन इसके पहले जो शहीद अहमद हैं, जो लोकल विधायक थे, मुस्लिम विधायक हैं, वो शायद कांग्रेस में वापस आ गए हैं, तो शहीद अहमद को भी टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने। ऐसे में शहीद अहमद कोई शांत बैठ जाएंगे ये मुझे नहीं लगता, तो बड़ा दिक्कत आएगी। अब आप चलिए राजेंद्र शुक्ला की तरफ, थोड़ा सा रीवा के इलाके में, रीवा में राजेंद्र शुक्ला स्वाभाविक रूप से बड़े प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा गेम किया है, अभी उनको मंत्री बना दिया लास्ट में, तो उनका अपना वो है, लेकिन भारतीय कांग्रेस ने उनके खिलाफ राजेंद्र शर्मा को मैदान में उतारा है, तो राजेंद्र शर्मा कितनी चुनौती बन पाएंगे राजेंद्र शुक्ला के लिए ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि राजेंद्र शुक्ला का अपना स्वभाव बहुत अच्छा है, अपना वोट बैंक उनके पास है, और डेवलपमेंट के काम जो हुए हैं, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि व्हाइट टकारी जो बाल मुकुंदपुर की व्हाइट टकारी है वो शानदार बनी हुई है, पूरा दुनिया उसको देखने आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको देखने आ चुके हैं। सोलर पैनल प्लांट वहाँ जो लगा हुआ, सोलर पैनल प्लांट दुनिया का सबसे पहला और बड़ा सोलर प्लांट वहाँ रीवा में लगा हुआ है। इसके देखिए कि रीवा हाईवे जो बना हुआ है सत्र बिल्कुल आप नेशनल हाईवे पूरा शानदार बन गया है, किसी जमाने में मेरे 10 कदम चलने में दिक्कत होती थी, लेकिन आजकल रीवा से लेकर के आप नागपुर जाना हो तो आपको घंटों में सफर पूरा हो जाता है, तो वो सब कुछ राजेंद्र शुक्ला के क्रेडिट राजेंद्र शुक्ला को गया है। बहुत सारे रीवा में मॉल बन गए हैं, बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं, कॉलेज अच्छे हो गए हैं, तो ये डेवलपमेंटल काम हो गए हैं। और फिर दूसरी बात, जो बीजेपी ने नया दांव खेला है मऊगंज और मैहर को ये जिला बना करके, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बात आती है सेमरिया में, सेमरिया में चूंकि केपी त्रिपाठी सेमरिया चलते हैं, सेमरिया में केपी त्रिपाठी को टिकट दिया अगर देती है बीजेपी, जो लगातार भी लग रहा है क्योंकि राजेंद्र शुक्ला लगातार प्रयास कर रहे हैं केपी त्रिपाठी मैदान में उतरें, तो केपी त्रिपाठी का मुकाबला अगर अभय मिश्रा से होता है, अभय मिश्रा एक बड़े रणनीतिक आदमी है, अभय मिश्रा ये जानते हुए चूंकि केपी त्रिपाठी के खिलाफ आम आदमी पार्टी वहाँ लगी हुई है, केपी त्रिपाठी पे बहुत आरोप हैं, जिनका विधायक का फंड होता है उसका मिसयूज करने का आरोप है, और ऐसी स्थिति में फिर राजेंद्र शुक्ला के कहने पर, चूंकि उनका समर्थन भी राजेंद्र शुक्ला करते हैं, राजेंद्र शुक्ला के कहने पर केपी त्रिपाठी का टिकट फिर से होता है, तो आप मान के चलिए एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए वहाँ हो सकती है। आप चलिए देवतालाब, देवतालाब में अगर गिरीश गौतम खुद मैदान में उतरते हैं तो बहुत दिक्कत होगी, गिरीश गौतम का जो भतीजा है, उनके सगे भाई शिवेश गौतम, उनका बेटा है पद्मेश, पद्मेश को कांग्रेस ने मैदान में उतर के बड़ी चुनौती दे दी है, चूंकि पिछली बार जनपद जिला पंचायत के चुनाव में गिरीश गौतम के स्पीकर रहते हुए उनका बेटा अपने चचेरे भाई से चुनाव हार गया, राहुल को हराया था, तो इस बार अगर राहुल चुनाव मैदान में उतरते हैं या गिरीश गौतम खुद चुनाव मैदान में उतरते हैं और पद्मेश चूंकि सामने हैं, तो परिवार का मामला, दोनों ब्राह्मण हैं, परिवार है, और इस पूरे परिवार की जो दमदारी थी, दबंगई थी, वो शिवेश की दम पे थी, गिरीश जी के छोटे भाई थे शिवेश, उनकी दम पे थी, तो स्वाभाविक रूप से बड़ा मुकाबला, चुनौतीपूर्ण मुकाबला यहाँ पर हो सकता है। अब आप चले थोड़ा सा सीधी की तरफ, सीधी की तरफ देखिए तो वहाँ केदार शुक्ला को टिकट काट करके और रीति पाठक को मैदान में उतारा गया। रीति पाठक बड़ी नेता है, दिग्गज नेता है, अच्छी नेता है, लेकिन जब चुनावी समीकरण की बात आती है तो ब्राह्मण वोट बैंक केदार पंडित जी के साथ बहुत ज्यादा रहता है, तो केदार शुक्ला अगर भाजपा के मनाने पर भी साथ नहीं देते हैं तो बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति वहां बन जाएगी। चित्रकूट में एक तरफा अभी भी बीजेपी के बहुत स्थिति दिखे, नीलांशु चतुर्वेदी जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया नीलांशु ने, और नीलांशु ने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में नीलांशु बड़ी दमदारी के साथ काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, चित्रकूट में कामतानाथ जी के मंदिर के आसपास का इलाका हो या बाकी इलाका, सब जगह आप बहुत अच्छा परफॉर्म नीलांशु का है। नीलांशु पिछले 5 साल से लगातार संपर्क में बहुत अच्छा काम किया। बड़ी चुनौती इस बार आप देखिए तो आएगी चित्र इसमें अजय सिंह राहुल चूंकि चुनाव पलट रहे हैं तो वहाँ पर बहुत दिक्कत, जो चुरहट विधानसभा क्षेत्र पिछली बार अजय सिंह राहुल चुनाव हार गए उसके तमाम कारण हुआ करते थे, लेकिन अजय सिंह राहुल इस बार बड़े चुनौती बन सकते हैं और भाजपा के जो शरदेंदु तिवारी हैं उनके लिए मुकाबला बहुत कठिन हो सकता है। आप बाकी सीटों पर चले जाइए, सिंगरौली में पिछली बार सिंगरौली चली है, सिंगरौली में देखिए कि आप आम आदमी पार्टी ने जो नगरीय निकाय के चुनाव थे उसमें आम आदमी पार्टी ने जो परफॉर्मेंस किया था वो भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए खतरे की घंटी है, और ऐसी स्थिति में जब खतरे की घंटी बजती है तो स्वाभाविक रूप से ये माना है कि अगर एक भी सीट खिसक गई वहां पर भाजपा में घमासान ऑलरेडी मचा हुआ है। कांग्रेस पिछले कई दिनों से वहां बैकफुट पर है, लेकिन कांग्रेस का अपना वजूद है, पर भाजपा के अंदर क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी थी बहुत दिनों तक, भाजपा में घमासान मचा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि जो विंध्य अंचल की ऊर्जा धानी जिसे कहा जाता है सिंगरौली, वहां पर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती है, और आम आदमी पार्टी वहां बहुत एक नया विकल्प के रूप में उभरती चली आ रही है। अब आप आ जाइए थोड़ा सा शहडोल की तरफ, शहडोल होगा, शहडोल में और उमरिया, दोनों शहडोल उमरिया में देखिए आप तो वहां भी स्थिति हो रही है कि बिसाऊ लाल सिंह को टिकट दिया गया
86 साल के हैं। कोतमा में चलिए, कोतमा में कांग्रेस ने एक बार फिर सुनील सराफ को उतारा। बीजेपी अपने एकमात्र मुद्दे पर लगी हुई है कि वो सुनील सराफ एक छेड़छाड़ के मामले में आरोपी थे, तो वो बहुत छोटा इशू था, लेकिन सुनील ने पिछले 5 साल में जिस तरह का नेटवर्क बनाया, जिस तरह से बातचीत के लोगों से लगातार संपर्क में बने रहे, तो वो निश्चित रूप से फायदा देगा। और धीरे धीरे एक और आपको मानना पड़ेगा, जय आदिवासी शक्ति जयेश और जयेश के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसकी पकड़ धीरे धीरे तीनों जिलों में, उमरिया में भी पकड़ हो गई है, शहडोल में भी पकड़ हुई है, और आपके सिंह उस पूरे इलाके में तीनों चारों जो सीटें हैं वहां पर उनकी पकड़ हो गई है। मीना सिंह का अगर टिकट दिया था, मीना सिंह का परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में बहुत अच्छा नहीं रहा, और इसलिए अगर बीजेपी टिकट रिपीट करती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती मीना सिंह के सामने हो सकती है वहां पर। तो ये बिंद का पूरा मिजाज बड़े अलग ढंग का है वर्षा, और इसमें जो ये इलाका है विशेषकर शहडोल संभाग का जो तीनों जिले हैं वहां, ये मान के चलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बाकी जो छोटे दल हैं वो इसके बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे। जी बिल्कुल, तो बीजेपी के बड़े चेहरों की तो बात हमने की है अजय जी, लेकिन अब हम कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं कि आखिर यहां से कांग्रेस के कौन से बड़े चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है लंबे समय से यहां पर बीजेपी को बढ़त रही है, लेकिन कांग्रेस की जिस तरह से तैयारी है, जाहिर तौर पर बड़े चेहरे होंगे जो इस बिंद में कांग्रेस को बढ़त दिला सकते हैं। वही मैंने जैसे आपसे कहा कि बिंद में, चूंकि बिंद देखिए बीजेपी का गढ़ नहीं है, ये बड़ा कन्फ्यूजन है, बिंद वास्तव में कांग्रेस का गढ़ हुआ। श्रीनिवास तिवारी जैसा दिग्गज आदमी हुआ, श्रीनिवास तिवारी, माननीय अर्जुन सिंह, बहुत बड़े बड़े नाम, यमुना प्रसाद शास्त्री, महाराजा मारतन सिंह जूदेव, बड़े बड़े दिग्गज यहां से हुआ करते थे बिंद विजय कांग्रेस में, कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहां पर स्थितियां बिगड़ती गई और अब की तारीख में बीजेपी ने कुछ दिनों से कब्जा जमाया, बीजेपी लगातार वहां काम कर रही, अब बीजेपी का गढ़ बनता जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने आप कहा कि बीजेपी में कांग्रेस, बीजेपी में जिस तरह की तमाम कलह गुटबाजी चल रही है, वैसे कांग्रेस भी अछूती नहीं है उससे। आप देखिए कि यहां पर आप चले जाइए, अभी श्रीनिवास तिवारी के जो पोते हैं उन्होंने तो वहां पर बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दिया, एक ऐसा परिवार जो कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध हुआ करता था। श्रीनिवास तिवारी जी बड़े नेता हुआ करते थे, सुंदरलाल तिवारी उनके बेटे थे, वो सांसद रहे दो दो बार रीवा से, वो बड़े नेता हुआ करते थे। उनका बेटा बबला एक्सपायर हो गया जो वो हुआ करता था, बबला की वाइफ पिछली बार चुनाव लड़ी थी सांसद का, वो चुनाव लड़ी थी। अब उनकी जो नई पीढ़ी है वो अब आ गया वहां पर चुनाव लड़ रहा है, अमरपाटन में राजेंद्र सिंह। लेकिन राजेंद्र सिंह और उनके जो सगे भतीजे सगे भांजे हैं अजय सिंह, दोनों के बीच किस तरह 36 का आंकड़ा हर कोई जानता है, और ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब आप चलिए मैहर की तरफ, मैहर में ये लग रहा था कि नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस टिकट देगी, अगर नारायण त्रिपाठी को मैदान उतारती तो बहुत बड़ी एक लंबी चुनौती हो सकती थी, लेकिन उन्होंने किसी पंजाबी व्यक्ति को उतारा। पंजाबी वोट बैंक वहां कितना असर डाल पाएगा इसकी उम्मीदें नहीं की सकती। कमलेश्वर पटेल का इलाका है, कमलेश्वर पटेल ओबीसी वोट बैंक के दम पे अपनी दम पर जीत के आते हैं, लेकिन ये माना जा सकता है कमलेश्वर पटेल के बारे में कहा जाता है कि अजय सिंह राहुल के खिलाफ उन्होंने काम किया था पिछली बार, और इसलिए अगर अजय सिंह राहुल थोड़ी मजबूत स्थिति में होते हैं तो कमलेश्वर को दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन कमलेश्वर पटेल अपना काम कर रहे हैं और कमलेश्वर पटेल एक बड़ी चुनौती वहां पर बने हुए हैं। सर नवीन, आपको वहां पर मैंने आपको चित्रकूट के बारे में पहले ही कहा कि नीलांशु ने बहुत अच्छा काम किया, नीलांशु बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो नीलांशु त्रिवेदी की संभावना बहुत ज्यादा वहां बनी हुई है। आप चलिए शहडोल इलाके में सुनील सराफ का, जैसे मैंने आपसे कहा कि सुनील कोतमा से सुनील को टिकट फाइनल हो गया, सुनील बहुत अच्छा काम किया, सुनील काम कर रहे हैं। फुंदेलाल मार्को वहां पर जो गोपत बनास के फुंदेलाल मार्को, फुंदेलाल बहुत अच्छा एक ऐसा जमीनी कार्यकर्ता कांग्रेस का है जो विधायक रहे ना रहे, आज भी विधानसभा में उठते हैं तो पहले विधानसभा में घुसते समय सीढ़ियों के पांव पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं। तो निश्चित फुंदेलाल मार्को का, वंशमणि प्रसाद वर्मा को टिकट दिया इस बार बहुत दिनों बाद, वो 2000 आप समझिए कि 1993 में दिग्विजय सिंह सरकार में कैबिनेट हुआ करते थे, वंशमणि प्रसाद वर्मा को टिकट कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने तमाम लोगों को ढूंढ ढाल के लाई है, लेकिन यह तय है कि पिछली बार 2018 जिसकी बजाय इस बार चुनौतियां कांग्रेस बीजेपी के सामने बड़ी होंगी और नए समीकरण इस बार के चुनाव में बिंद में बनेंगे। बिल्कुल, और यही वजह है कि बीजेपी यहां पर जो है फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि जैसा कि बीजेपी का गढ़ हालांकि अब जिस तरह से बढ़त हासिल हुई है तो उसे हम कह सकते हैं कि एक वोट बैंक बीजेपी का है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर किस तरह से यहां पर 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे वो पूरी तस्वीर उस दिन साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे जुड़ने के लिए और विश्लेषण इस विंध को लेकर खासतौर पर करने के लिए। तो चुनावी चौपाल में हमने विंध के जो सियासी समीकरण है उसके बारे में जाना, और यहां पर जिस तरह से विश्लेषण स्टेट हेड की तरफ से किया गया, चुनावी चौपाल जो इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं, जाहिर तौर पर उनकी जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हुए होंगे, समीकरण यहां पर क्या है वो भी समझ आ गए होंगे। फिलहाल चुनावी चौपाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।